तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो वर्ष दिया हुआ है, ये वर्ष देखिए नॉर्मल नहीं दिया, पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल मतलब 2, 3, 4 ऐसे करके नहीं दिया, ये पूर्णांक में दिया है, 2 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा ध्यान से समझना होगा और इसी टाइप का एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आप लोगों को। बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वार्षिक 5% के ब्याज दर से 80,000 रुपया का वर्ष 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन आपसे पूछा है किस लिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, आपके पास 80,000 रुपया है, ठीक है, और आप किसी बैंक में गए, 5% के ब्याज दर आपको बैंक दे रहा है, और उस बैंक में आप पैसा जमा करने का सोच रहे हैं, वो कितने कितने दिन के लिए, तो 2 पूर्णांक 1/2, इसका मतलब होता है 2 वर्ष 6 महीना, मतलब कि ढाई साल आपको पैसा जमा करना है। कितना जमा करना है, 80,000। तो अगर आप 80,000 रुपये जमा कर रहे हैं और ढाई साल में आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन पूछा, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब जो पैसा आपने जमा किया, ठीक है, मतलब जो पैसा आपने जमा किया और बैंक आपको इंटरेस्ट कितना दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो जो पैसा आएगा उसी को पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, यही क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक आदमी 80,000 रुपया लेके गया बैंक में, बैंक वाले 5% के ब्याज दर दे रहे हैं, उस आदमी ने ढाई साल के लिए पैसे को जमा कर दिया, और ढाई साल बाद उसने जब पैसे को निकाला तो उसके अपने पैसे जो जमा किया और बैंक वाले ने कितना इंटरेस्ट दिया, दोनों को जोड़कर कितना पैसा हुआ, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसमें जो जो क्वेश्चन गिवेन है उसको हम लोग पहले कॉपी में उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैसा दिया हुआ है, ठीक है, पैसा दिया हुआ है रुपया में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। तो हम लोग क्वेश्चन में लिख लेंगे मूलधन पी इक्वल टू यहाँ पर 80,000 रुपया, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ब्याज दर 5%, ठीक है। तीसरा में देखिए यहाँ पर क्या दिया, वर्ष दिया हुआ है 2 पूर्णांक 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे समय टी इक्वल टू 2 पूर्णांक 1/2 वर्ष। तो देखिए ये जो पूर्णांक में ना इसको हम लोग तोड़ के छोटा कर देंगे, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 वर्ष + 2.5 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष ये 2 लिख लेंगे इधर का, अब इधर का 2.5 का इधर कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको हम लोग सिंपल से तोड़ दिए, 2 वर्ष + 6 महीना, ठीक है। हम लोग पहले 2 वर्ष का निकालेंगे और जो थोड़ा बच गया वो 6 महीना का अलग से निकालेंगे, इसलिए इसको तोड़ दिए, ठीक है। इसलिए क्यों तोड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टाइम है, तो यहाँ n इक्वल टू अगर हम 2 पूर्णांक 1/2 यहाँ पर अगर बैठाएंगे या n के जगह पर, तो ये मैथ बहुत लंबा चल जाएगा और हो सके तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लंबा चला जाएगा, तो फिर बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए इस तरह नहीं बनाया जाता। इसका दूसरा मेथड है तोड़ तोड़ के बनाना, इसलिए से हम लोग तोड़ तोड़ के बनाएंगे, ठीक है। समझ समझ में आ गया। अब पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या था, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो हम लोग लिख लेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, और जो पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग पहले सोचेंगे उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है एक मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन कैसे बोलते हैं, जो हमने पैसा जमा किया मूलधन और हमको बैंक वाले जो ब्याज दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या होता है, जो हमने पैसा जमा किया और बैंक जो दिया, तो हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज, क्लियर है। तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ लिख लीजिएगा ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ाए थे साधारण ब्याज में, आप लोग देखे होगा हमारे वीडियो तो समझ में आ गया होगा कि जब भी साधारण ब्याज निकालने बोले SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है P × R × T/100, ठीक है। तो P मतलब होता है मूलधन, R मतलब ब्याज दर, और T मतलब समय, और 100 ब्याज निकाला गया फॉर्मूला है। तो ये इसलिए मैंने लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो ढाई वर्ष है मतलब 6 महीना, उसके लिए मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी इस टाइप का है तो आपको ब्याज भी निकालना पड़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले ये 2 वर्ष का, जो है 2 वर्ष का हम लोग लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन लिख के इसको जो सूत्र होता है वो हम लोग बैठा देंगे। तो सूत्र क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर n, जो हर बार मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब चूंकि P, तो P का मान यहाँ से बैठा देंगे कितना है, तो 80,000, यहाँ से P का मान जो था यहाँ पर पुट कर देंगे 80,000, 1 का 1 उसी तरह उतर जाएगा, R इक्वल टू कितना है 5%, तो यहाँ लिखा देंगे हम लोग सिर्फ 5, नीचे 100 का 100 यहाँ उतार देंगे। ये n का मान कितना है, तो n इतना ना लिखकर, जो 2 पूर्णांक कितना नहीं लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे 2 वर्ष, क्योंकि हम लोग निकाल रहे 2 वर्ष का, क्या निकाल रहे 2 वर्ष का मिश्रधन, तो यहाँ भी n इक्वल टू का हो जाएगा 2, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब ये 80 को 80 उसी तरह उतार देंगे हम लोग, ठीक है, 80 को 80 उसी तरह उतार देंगे,
और ये पाँच पाँच है, तो इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे पूर्णांक, जैसे हमेशा बोलते हैं कि नीचे वाला को ऊपर में गुना कर देंगे एक के साथ, तो 100 गुना 100 और ऊपर वाला में जोड़ देंगे, तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105, तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरा 105, ठीक है, और नीचे कितना है 100, तो 100। समझ में, ये एलसीएम का मेथड होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। और यहाँ एन का मान 2 है, तो यहाँ भी 2 बैठा देंगे। अब इसे और आगे बनाएंगे तो ये 80,000 का 80,000 उतार देंगे, और ये चूंकि ब्रैकेट का ऊपर पावर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब भी बता देते, स्क्वायर का मतलब होता है उस ब्रैकेट को उतने बार लिखना, तो ब्रैकेट के अंदर जितना है, यहाँ 2 है तो उसको उतना बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे, तो 105/100 × 105/100 दो बार हो गया, एक बार दो बार, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस यहाँ पर जो है इसमें K2 0 है उसको गिन लेते हैं, तो यहाँ पर है आपका 4 0, तो 4 0 काट देंगे, कहाँ से काटेंगे, नीचे की 4 0 से, ऊपर जितना 0 कटाएंगे उतना ही नीचे कटाना पड़ता है, तो यहाँ से 4 0 कट जाएगा, यहाँ से 4 0 कट जाएगा, तो नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 × 1 बचेगा, तो गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब नीचे कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ 8 जो बचा, ये 8 यहाँ उतार देंगे, और ऊपर का जो 105 × 105 दो बार था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 105 × 105, और नीचे नीचे तो 0 0 कट गया, 1 था, तो 1 लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर आया है 8 × 105 × 105, अब ये तीनों को जब हम गुना करेंगे तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, तो 88,200 रुपया। तो ये 88,000 जो 200 रुपया आया है, यही क्या है मेरा 2 वर्ष का मिश्र धन। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये 2 साल का उसका मिश्र धन है, लेकिन उसे कितना वर्ष का निकालना है, तो 2 साल और 6 महीना का, तो 6 महीना बचा है ना, तब वो क्या करेगा, ये जो पैसा जो उसे मिला मिश्र धन, ये पैसा को बैंक में फिर से जमा करेगा, कितने दिन के लिए, तो 6 महीने के लिए, मतलब हाफ वर्ष के लिए। तो जब हाफ वर्ष के लिए ये जमा करेगा, तो अब ये मिश्र धन ना होकर क्या हो जाएगा उसके लिए, मूलधन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में जो जमा करता है खुद से पैसा, उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। ये जमा इसलिए करेगा 6 महीना को और उसे निकालना है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब 2.5 वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, तो 88,200 रुपया, ठीक है। अब ये वाला मूलधन अब भूल जाना, क्योंकि ये मूलधन 2 वर्ष का था तब पुट किया, अब जो हम लोग 6 महीना मतलब आधा वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला, ये जो मिश्र धन आया था, अब इसके लिए ये मूलधन हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा निकाल के दूसरे बैंक में जमा कर रहा है, तो उसके लिए तो वो मूलधन ही होगा ना, मिश्र धन तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये मूलधन हो गया। समझ में आया ये बात, तो ये हो गया आपका हाफ वर्ष का मूलधन 88,200 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकाल, क्योंकि वो जो पैसा जमा करेगा तो उसका तो इंटरेस्ट बैंक वाले देंगे ना, तो कितना हुआ, कितने वर्ष के लिए वो जमा किया था, तो हाफ वर्ष के लिए, ठीक है, तो हाफ वर्ष का उसको ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ वर्ष का ब्याज इक्वल टू, तो ब्याज का फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख चुके थे कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो ब्याज इक्वल टू का हो जाएगा P × R × T/100। पी मतलब मूलधन, तो मूलधन यहाँ से बैठा देंगे पी के जगह पर, आर आर मेरा वही रहेगा 5%, यहाँ से 5% बैठा देंगे, और टी समय, समय देखो कितना वर्ष के लिए, तो यहाँ पर समय ये नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे ये वाला, क्योंकि हम लोग निकाल रहे कितना 2.5 वर्ष का, तो हम लोग टी की जगह पर ये बैठाएंगे, तो टी हो जाएगा 1/2, और नीचे 100 था तो 100 का 100 उतर गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 100 में 2 0 है, 2 0 काट देंगे, और यहाँ देखो 88,200 जो है इसका पीछे का 2 0 काट देंगे, ठीक है, मतलब ये 200 के पीछे का 2 0 और ये 100 के पीछे 2 0, तो यहाँ से 2 0 खत्म, यहाँ से 2 0 खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 8 8 2, ठीक है। अब फिर इसको हम 2 से कटा देंगे इसी को, तो ये कटेगा कितना 8 था, तो ये कट जाएगा 4 4 1, ठीक है, मैंने 441 बार में कट गया। अब बचा कौन कौन, इसके पीछे जो जो बच था वो बच गया, तो 5 × 1 1, तो यहाँ पर हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सबको जब आपस में गुना करेंगे, गुना करने पर क्या आ जाएगा मेरा, तो आ जाएगा 2,205 रुपया, तो यही मेरा क्या आएगा, ब्याज आएगा, कितना वर्ष के लिए आएगा, तो हाफ वर्ष का, कितना रुपया जमा किया था वो, तो वो जमा किया था 88,200 रुपये बैंक में, और उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, तो 2,250, क्लियर है। अब चूंकि इतना गया, तो हम निकाले हम लोग 2 वर्ष का, और ये निकाले हम लोग हाफ वर्ष का, तब दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2.5 वर्ष का मिश्र धन, क्या लिखेंगे हम लोग, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, तो मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, तो मूलधन के जगह पर ये बैठा देंगे, और ब्याज हम लोग जो ये निकाले, तो ब्याज के जगह पर ये बैठा देंगे, और आपस में जोड़ेंगे, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मेरा कितना आ जाएगा, तो 90,405 रुपया। तो समझ में आया, तो ये हो गया हमारा 2.5 वर्ष का मिश्र धन। तो जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछें जो पूर्णांक में हो, ठीक है, तो उसको आप हमेशा इसी तरह